दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जिस शिक्षा व्यवस्था को दुनिया में बेस्ट बताते हैं, जिस शिक्षा व्यवस्था की बात करके केजरीवाल अपने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए कहते हैं कि इनको तो भारत रत्न दे देना चाहिए, लेकिन दिल्ली में ऐसे कई स्कूल हैं जहां साइंस पढ़ने का विकल्प नहीं है। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि जिस मॉडल को दुनिया का बेस्ट शिक्षा मॉडल बताया जाता है, उस मॉडल के स्कूलों में बच्चों के लिए साइंस पढ़ना कितना मुश्किल है। एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि दिल्ली के हर 3 सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सिर्फ एक स्कूल में साइंस की पढ़ाई होती है, बाकी 2 स्कूल में सिर्फ कॉमर्स की पढ़ाई होती है। तो दिल्ली मॉडल दिल्ली में, और यह आपको बता रहा हूं 11वीं प्लस 12वीं, उसमें साइंस कितने स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी कितने हैं, उस सीनियर सेकेंडरी का आंकड़ा है 838 स्कूल है। जिन स्कूलों में 11वीं और 12वीं में साइंस पढ़ाई जाती है, साइंस पढ़ाने वाले स्कूल वो कितने हैं दिल्ली के अंदर सीनियर सेकेंडरी इन 838 में से, वो आंकड़ा है मात्र 279 स्कूल का। 279 स्कूल 838 में से साइंस पढ़ाते हैं, यानी ये परसेंट हो गया करीब 33.29%, यानी करीब 33% स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस की पढ़ाई होती है। अब अगर दिल्ली में ज्यादातर बच्चे साइंस पढ़ना चाहें तो उनके पास साइंस के लिए स्कूल ही नहीं है, और ये दुनिया का बेस्ट शिक्षा मॉडल है। और जिन स्कूल्स में कॉमर्स पढ़ाया जाता है, कॉमर्स पढ़ाने वाले स्कूल कितने हैं, वो है 674, यानी करीब 66%। यानी साइंस पढ़ने वाले छात्रों के पास विकल्प बेहद कम है अगर वो दिल्ली के स्कूल में पढ़ना चाहते हैं साइंस। 838 में से मात्र 289 स्कूल में साइंस पढ़ाया जा रहा है, मतलब हर स्कूल में साइंस पढ़ाने की व्यवस्था भी नहीं है कि आप साइंस और कॉमर्स में से चुन लें।